इंटरफेस इन जावा, ठीक है, एन इंटरफेस इन जावा इज अ ब्लू प्रिंट ऑफ ए क्लास, इट हैज स्टैटिक कॉन्स्टेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ठीक है, इंटरफेस क्या होता है, जस्ट लाइक एक ब्लू प्रिंट होता है, जैसा क्लास बनाते हैं सेम वैसा ही होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं और स्टैटिक कॉन्स्टेंट होते हैं। ठीक है, इंटरफेस जस्ट एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसको हम लोग एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए हम लोग बनाते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है कि हम लोग किसी भी मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं और उसको हम लोग डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं, लेकिन जब हम लोग उस क्लास को इनहेरिट करते हैं तो वहाँ पे हम लोग को उस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन देना होता है। ठीक है, वैसे ही इंटरफेस में भी हम लोग मेथड जो बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ उसका डिक्लेरेशन होगा, और जहाँ पे उस इंटरफेस को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे वहाँ पे उसका डेफिनेशन देंगे, जैसे मेथड ओवरराइडिंग में होता है वैसा। ठीक है, द इंटरफेस इन जावा इज अ मैकेनिज्म टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, देयर कैन बी ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन जावा इंटरफेस नॉट द बॉडी, इट इज यूज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए यूज होता है और मल्टीपल इनहेरिटेंस को। ठीक है, जावा जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन हम लोग उसको इंटरफेस के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट इंटरफेसेस कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड वेरिएबल्स, इट कैन नॉट हैव ए मेथड बॉडी। ठीक है, तो इनडायरेक्टली हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे। एब्स्ट्रैक्ट मेथड मींस जिसकी बॉडी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन होगा। ठीक है, और वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, जावा इंटरफेस ऑल्सो रिप्रेजेंट द इज ए रिलेशनशिप। इज ए रिलेशनशिप मतलब क्या होता है, जो हम लोग इनहेरिटेंस में यूज करते हैं, इनहेरिटेंस का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड जस्ट लाइक द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, जैसा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते थे, वैसा ही सेम हम लोग यहाँ इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। हम लोग इंटरफेस का कभी भी इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, कोई भी उसको मेमोरी नहीं मिलेगा। ठीक है, जितने भी मेथड्स उसके अंदर डिक्लेयर किए जाएंगे सबका इम्प्लीमेंटेशन कोई दूसरे दूसरे क्लास में होगा। ठीक है, सिंस जावा 8 वी कैन हैव डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड इन एन इंटरफेस। जावा 8 के बाद से डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड इंटरफेस में हम बना सकते हैं। ठीक है, हम बना सकते हैं क्या, उसमें वही होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे उसमें। सिंस जावा 9 वी कैन हैव प्राइवेट मेथड इन एन इंटरफेस, डिफॉल्ट स्टैटिक तो होगा ही होगा, साथ में प्राइवेट भी हम लोग बना सकते हैं जावा 9 से। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जावा इंटरफेस यूज क्यों करते हैं, वाई वी यूज जावा इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे 3 यूजर्स हैं। फर्स्ट, इट इज यूज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं इंटरफेस। सेकेंड, बाय इंटरफेस वी कैन सपोर्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। बाय इंटरफेस वी कैन सपोर्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्ट नहीं किया जाता है, लेकिन हम लोग उसकी फंक्शनैलिटी को अचीव कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरफेस। पॉइंट नंबर 3, इट कैन बी यूज टू अचीव लूज कपलिंग। ठीक है, इट कैन बी यूज टू अचीव लूज कपलिंग। लूज कपलिंग मीन्स क्या होता है कि हम लोग जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, मीन्स हम लोग एब्स्ट्रैक्शन में एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते थे। ठीक है, उस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते थे, अब वहाँ पे तो हम लोग डिक्लेरेशन कर लेते थे। ठीक है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कहाँ पे देते थे, उसके चाइल्ड क्लास में। अब हर चाइल्ड क्लास में हम लोग सेम नेम के मेथड में हम लोग अलग अलग लॉजिक यूज कर सकते हैं, अलग अलग लॉजिक बना सकते हैं, मीन्स उसकी फंक्शनैलिटी अलग अलग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लूज कपलिंग की बात हो रही है, तो लूज कपलिंग उसी चीज को बोला जाता है कि हम लोग इंडिपेंडेंट होते हैं, कि हम लोग सेम नेम के मेथड में अलग अलग लॉजिक हम लोग यूज कर सकते हैं अलग अलग क्लासेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसी को बोला जाता है लूज कपलिंग। ठीक है, तो 3 टाइप्स के यूजर्स होते हैं जावा इंटरफेस के, एब्स्ट्रैक्शन,
मल्टीपल इनहेरिटेंस और लूज कपलिंग। ओके, हाउ टू डिक्लेयर एन इंटरफेस, कैसे डिक्लेयर किया जाता है, हम लोग इंटरफेस को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। एन इंटरफेस इज डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग द इंटरफेस कीवर्ड। इंटरफेस कीवर्ड, इट प्रोवाइड्स टोटल एब्स्ट्रैक्शन, मींस ऑल द मेथड इन एन इंटरफेस आर डिक्लेयर्ड विद द एम्प्टी बॉडी। ठीक है, इट प्रोवाइड्स टोटल एब्स्ट्रैक्शन। टोटल एब्स्ट्रैक्शन मींस इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट होगा। मींस ऑल द मेथड इन एन इंटरफेस आर डिक्लेयर्ड विद द एम्प्टी बॉडी एंड ऑल फील्ड्स आर पब्लिक स्टैटिक फाइनल बाय डिफॉल्ट। ठीक है, जितने भी इसके अंदर हम लोग मेथड बनाएंगे, वेरिएबल्स बनाएंगे या कॉन्स्टेंट्स हम लोग क्रिएट करेंगे, वो सभी के सभी पब्लिक स्टैटिक फाइनल होंगे। क्या होंगे? पब्लिक स्टैटिक और फाइनल, तीनों कीवर्ड्स इसके अंदर अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट मीन्स क्या होगा, कंपाइलर अपने स्वयं से उसको क्या करेगा, पब्लिक स्टैटिक फाइनल बना देगा। क्यों पब्लिक स्टैटिक फाइनल बनाएगा? क्योंकि पब्लिक से वो क्या होगा, सभी जगह एक्सेसिबल होगा। ठीक है, स्टैटिक से क्या होगा, स्टैटिक से मेमोरी सबसे पहले उसको मिलेगी। फाइनल से क्या होगा कि कोई भी उसकी वैल्यूज को या फिर उसका सिग्नेचर को चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है, इसीलिए इंटरफेस के अंदर जितने भी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाए जाएंगे, ठीक है, वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाएंगे या कॉन्स्टेंट बनाए जाएंगे, सभी के सभी पब्लिक स्टैटिक फाइनल कीवर्ड्स के साथ बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इंटरफेस कीवर्ड हम लोग लिखेंगे, ये प्रीडिफाइंड कीवर्ड हम लोग को अवेलेबल मिलता है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंटरफेस नेम। ठीक है, उसके बाद क्लास जैसे स्टार्ट करते थे हम लोग, यहाँ पे उसका ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे, सेम जैसा क्लास लिखते थे। यहाँ क्लास हम लोग लिखते थे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंटरफेस लिखेंगे, और यहाँ पे इंटरफेस का नेम देंगे, और इस टाइप को ब्रैकेट हम लोग स्टार्ट करेंगे, और ब्रैकेट के अंदर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर पार्ट होगा, विदाउट एनी बॉडी और इम्प्लीमेंटेशन। ओके, देन इसके बाद हम लोग आते हैं जावा 8 इंटरफेस इम्प्रूवमेंट। सिंस जावा 8 इंटरफेस कैन हैव डिफॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड। ठीक है, जावा 8 के बाद डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड उसमें हो सकता है। ठीक है, इंटरनल एडिशन बाय द कंपाइलर, द जावा कंपाइलर एड्स पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स बिफोर द इंटरफेस मेथड, मोर ओवर इट एड्स पब्लिक स्टैटिक फाइनल कीवर्ड्स बिफोर डेटा मेंबर्स। ठीक है, अब देखो जो भी यहाँ पे हम लोग इंटरफेस बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कभी भी एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर नहीं करते। ठीक है, कभी भी हम लोग यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड डिक्लेयर नहीं करेंगे, मीन्स इस इंटरफेस को कभी भी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाएंगे। ठीक है, कंपाइलर क्या करता है, बाय डिफॉल्ट इसको एब्स्ट्रैक्ट बनाता है और बाय डिफॉल्ट इसको पब्लिक बनाता है, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट होता है, जितने भी इंटरफेस होंगे पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होंगे। एब्स्ट्रैक्ट हम लोग यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं, मतलब कंपाइलर क्यों लगा रहे हैं, ताकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन वाला पार्ट हो, और पब्लिक इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये इंटरफेस हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, वो विद इन द पैकेज, आउटसाइड द पैकेज। ठीक है, कहीं से भी हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं और कहीं पे भी हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इंटरफेस की यही प्रॉपर्टी होती है कि वो पब्लिक होता है और उसके अंदर के जितने भी मेथड होंगे पब्लिक स्टैटिक फाइनल होंगे। ठीक है, उसके अंदर के जितने भी डेटा मेंबर्स होंगे पब्लिक स्टैटिक फाइनल होंगे। ठीक है, तो हम लोग को इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो बाय डिफॉल्ट ऐड कर दिया जाता है कंपाइलर के द्वारा, और कुछ इस प्रकार का हम लोग को यहाँ पे एडिशन मिल जाता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इंटरफेस फील्ड्स आर पब्लिक स्टैटिक फाइनल बाय डिफॉल्ट एंड मेथड्स आर पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, मेथड क्या रहेंगे, पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक प्रिंटेबल डॉट जावा नाम का एक फाइल बना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर हमने यहाँ पे एक इंटरफेस बनाया। कैसे बनाया इंटरफेस? प्रिंटेबल है यहाँ पे हमने लिखा और सबको ब्रैकेट स्टार्ट के यहाँ पे लिखा इंट मिन इक्वल टू फाइव, मिन इक्वल टू फाइव हमने एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है, फाइव से हम लोग इसको इनिशलाइज कर लिए। अब यहाँ पे हमने बनाया void print, ठीक है, ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर किए, यहाँ पे हम लोग पब्लिक स्टैटिक फाइनल कुछ भी नहीं लिखे हैं, ठीक है, लेकिन कंपाइलर उसको क्या करेगा, जैसे ही उस इंटरफेस को लोड करेगा, जितने भी कॉन्स्टेंट्स वेरिएबल्स या फिर मेथड्स वहाँ पे डिक्लेयर किए गए होंगे वहाँ पे पब्लिक स्टैटिक फाइनल ऐड कर देगा, जितने भी वेरिएबल या कॉन्स्टेंट होंगे उसमें पब्लिक स्टैटिक फाइनल कर देगा, ठीक है, और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे वहाँ पे पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वहाँ पे ऐड कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक फाइनल और एब्स्ट्रैक्ट चारों कीवर्ड यहाँ पे लगने वाले हैं, ठीक है, अगर हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो कंपाइलर क्या करेगा, इसको ऐड कर देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस एंड इंटरफेस। तो यहाँ पे अगर हम लोग इनहेरिटेंस की बात करें, ठीक है, तो कोई भी एक क्लास दूसरे क्लास में एक्सटेंड होता है, मीन्स इंटरफेस में हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है, क्लास और क्लास के बीच में, ठीक है, अगर एक क्लास में हम लोग दूसरे क्लास में इनहेरिट करना चाहते हैं तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। देन अगर किसी क्लास में हम लोग इंटरफेस को अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वहाँ इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करेंगे, ठीक है, किसी क्लास में हम लोग इंटरफेस को इनहेरिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं, इनहेरिटेंस अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग इंटरफेस के केस पे इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। अगर एक इंटरफेस में दूसरे इंटरफेस को हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं तो वहाँ एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करेंगे, ठीक है, अगर क्लास क्लास होगा तो एक्सटेंड्स यूज होगा, इंटरफेस इंटरफेस में हो रहा है तो एक्सटेंड यूज होगा, और क्लास इंटरफेस में होगा तो इम्प्लीमेंट्स यूज होगा, ठीक है। किसी भी क्लास में अगर इंटरफेस को हम लोग इनहेरिट करेंगे तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करेंगे, तो यही रिलेशनशिप होता है क्लासेस एंड इंटरफेस के बीच में, ठीक है। ए क्लास एक्सटेंड्स अनदर क्लास An interface extends another interface, ठीक है, but a class implements an interface, ठीक है। तो यही relationship होता है classes और interface के बीच में, क्लास जो है दूसरे क्लास को एक्सटेंड कर सकता है, इंटरफेस जो है दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है, लेकिन क्लास जो है वो इंटरफेस को हमेशा इम्प्लीमेंट करेगा, ओके। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस एंड इंटरफेस। यहाँ पे एक एग्जांपल है, यहाँ पे हमने एक इंटरफेस बनाया, इंटरफेस प्रिंटेबल, और इसके अंदर हमने क्या बनाया है, एक मेथड डिक्लेयर कर लिया void print, ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या होगा, पब्लिक स्टैटिक फाइनल एब्स्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा, पब्लिक स्टैटिक फाइनल एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। अब हम लोग ने क्या किया, क्लास एसिक्स हमने लिया और उसमें इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड लगाया और प्रिंटेबल को क्या कर लिया, इनहेरिट कर लिया, ठीक है, मतलब इस इंटरफेस को हमने इम्प्लीमेंट कर लिया इस क्लास एसिक्स में, ठीक है। अब यहाँ पे जो void print यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, अब इस क्लास A6 में इसकी इम्प्लीमेंटेशन देनी होगी हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, पब्लिक void print सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे हमने हेलो प्रिंट कर दिया, ठीक है, मीन्स यहाँ पे जो भी हमने इंटरफेस में मेथड को डिक्लेयर किया था उसका इम्प्लीमेंटेशन हमने किस में दिया, उसके चाइल्ड क्लास में दे दिया। यहाँ पे पेरेंट कौन बन गया, इंटरफेस बन गया, चाइल्ड कौन बन गया, क्लास बन गया, ठीक है। इंटरफेस हमेशा इम्प्लीमेंट्स
होता है, ठीक है। इम्प्लीमेंट कीवर्ड हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट कीवर्ड हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। और जिस क्लास में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे उस क्लास में जो भी यहाँ डिक्लेरेशन होगा इस इंटरफेस में, उसका डेफिनेशन देना, उसका इम्प्लीमेंटेशन देना नेसेसरी होता है, ठीक है। अगर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन नहीं देंगे तो वहाँ पे हम लोग को कंपाइल टाइम एरर देखने के लिए मिलेगा और वहाँ पे बोलेगा इंटरफेस मेथड इज नॉट ओवररिडन, ठीक है। वहाँ बोलेगा कि मेथड जो वहाँ डिक्लेयर किया गया वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो वहाँ पे हम लोग को इम्प्लीमेंटेशन देना जरूरी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बनाए और यहाँ A6 का हम लोग सिंपल सा ऑब्जेक्ट बना लिए ओबीजे डॉट प्रिंट, ठीक है। और ये प्रिंट मेथड जो है वो क्लास A6 के अंदर में ही है तो वो डायरेक्टली वो एक्सेस कर सकता है, तो यहाँ पे हम लोग आउटपुट मिलेगा हेलो, ठीक है। तो इस प्रकार का हम लोग एक इंटरफेस को किसी क्लास में इम्प्लीमेंट करते हैं विथ इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड, और जहाँ पे भी हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे वहाँ पे उसका बॉडी देंगे, ये बॉडी है मेथड का। यहाँ डिक्लेरेशन नहीं था, यहाँ पे डिक्लेयर किए और यहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन दिए, ठीक है। कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन दिए, उसके चाइल्ड क्लास में।